वेलकम माय चैनल दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एराइस का इन्वर्टर है P900। ये सेट एकदम सही चल रहा है, आप देख सकते हैं वोल्टेज 252/53, लोड भी ले रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, मैं आपको शो कराता हूँ। जैसे ही हम इसको पावर देते हैं तो ये चार्जिंग के इंडिकेटर भी जलते हैं, बस उसमें तो चार्जिंग नहीं आती। ऐसे चार्जिंग यहाँ पर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं इसमें एम्पियर यहाँ पर चार्जिंग का एक भी नहीं आ रहा। तो आज हम इसी फॉल्ट के ऊपर इसमें वीडियो बना रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें ये वाला सर्किट है। तो इसके लिए मैंने इसमें सबसे पहले चेक किया रिले वगैरह इसका सब कुछ ठीक है, लेकिन इस फॉल्ट के लिए मैं आपको बारीकी से बताऊँगा। वैसे रिले ही ख़राब होता है यात्र पॉइंट पर, ये वाला आप ये रिले का सप्लाई चेक करें, अगर ये आ रहा है तो इसके बाद मेरे को इसमें फॉल्ट मिला। इसमें ये जो SCR है चार्जिंग के लिए, BT816 है, ये इसमें काम कर रहा है, शॉर्ट भी नहीं है। लेकिन इसमें ये इसके लिए रेस का जो रेजिस्टेंस है, ये मैंने फिलहाल इसमें दूसरा लगाया है, ये 1K का था, यहाँ पे ये 1K ही लगाया है। इसको लगाते ही जला दे, तो मैंने इसको मतलब दोबारा लगाया फिर भी जल गई। तो अगर आपके सामने भी अगर ऐसी कंडीशन आए तो ये 1K के साथ ये IC DT जो ट्रांजिस्टर है, जो SCR है, इसे साथ में बदल दें। मैंने दोनों एक साथ बदले और ये चार्जिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व आउट हो जाएगा। तो इसी में मैं अभी दोनों को बदलता हूँ और अभी आपको लगा के चेक करता हूँ। मैंने इसमें से दोनों निकाल लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस निकाला है, जल गया था। इसका कोड मैंने बारीकी से देखा तो ये 1K है, और ये आपको पता है चार्जिंग के लिए 816 है। नंबर ठीक से दिख नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पर अब ये दूसरे लगा दिए हैं, जैसा कि देख सकते हैं ये और ये। अब मैं इसको चेक करूँगा और देखते हैं क्या रहता है। तो अब इसे चेक करते हैं, मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। देख सकते हैं इसमें पावर आ चुकी है, और आप यहाँ एम्पियर मीटर में भी देख सकते हैं बैटरी 10 एम्पियर दिखा रहा है, क्योंकि बैटरी मेरी फुल चार्ज है, इसमें से 10 आ रहा है। मैं इसको थोड़ा डिस्चार्ज करके करूँगा तो पूरे 20 एम्पियर आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।